हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रांशु जोशी के नेतृत्व में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर 3 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। वही मांग पत्र में कहा गया कि कमलेश तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी की हत्या करने वाले मुलजिमों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं मृतक कमलेश तिवारी के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता का जो वादा सरकार ने किया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ एवं हिंदू समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रियांशु जोशी जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए। अगर इस मांग पत्र की मांगे पूरी नहीं हुई तो हिंदू समाज पार्टी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। यार रिजल्ट एक मिनट से तो हाँ होगा काफी दिन में पूरे जोशी जी आज कौन सा ज्ञापन देने आया अभी? आज हिंदू समाज पार्टी का पूरे भारत में कमलेश तिवारी जी के जो जोशी जी आज कौन सा ज्ञापन देने आया अभी? आज हिंदू समाज पार्टी का पूरे भारत में कमलेश तिवारी जी के जो हत्यारे थे उनको गुजरात भेज दिया गया है। शांति पूर्वक ज्ञापन देना था पूरे भारत में कि आज शांति का प्रतीक दिखाया गया है, लेकिन इसके बाद जो आंदोलन होगा अब शुरू वो सड़कों पे उतर के होगा। अब कोई ज्ञापन नहीं होगा, आज ये आखिरी ज्ञापन था हमारा शांतिपूर्वक का। शांति का प्रतीक आज हमने दिखा दिया है, लेकिन अब जो होगा उग्र आंदोलन होगा अगर उन हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो। क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन प्रशासन से बस एक ही विनती करना चाहूँगा कि जो स्वर्गवासी श्री कमलेश तिवारी जी के हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। कोई ये नहीं कि तारीख पे तारीख पड़नी चाहिए, तुरंत उन्हें फांसी होनी चाहिए और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर वो न्याय नहीं मिला तो हिंदू समाज पार्टी जिस हिसाब से आज शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रही है 1 नवम्बर 2019 को, उसके बाद हिंदू समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।